सवाल जवाब जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं किरण कानपुर से। नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए किरण। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अलीगढ़ से राजेंद्र हैं, मस्टर्ड पे इनका सवाल है, पूछिए राजेंद्र। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सरसों में आज जो तेजी आई है उसका कारण क्या लगता है, और दूसरी बात इसमें कोई बैक गियर तो नहीं पड़ जाएगा, नवंबर में क्या बामन सौ के भाव हो सकते देखने को मिल सकते हैं, ये बातें पूछनी है। बताइए अमित जी। देखिए मेरे हिसाब से मस्टर्ड में जो रैली पिछले दो तीन दिन से आ रही है ये इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड का कंटिन्यूशन है, क्योंकि 4,500 के करीब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज थी एंड यहाँ पर प्राइजेस काफ़ी मतलब बार्गेन बाई की तरह लग रही है, तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म तेजी दोबारा चालू हो गई है। यदि 4,900 के भाव निकल जाते हैं डेफिनेटली 5,200 तक ही आराम से दिख सकती है, तो शॉर्ट टर्म तो बाय है, 4,900 के ऊपर लॉन्गर टर्म भी बाय कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ हाशमी है हिम्मतनगर से, पूछिए। जी पूछे। हाँ जी, मुझे 40 मैंने सिल्वर ली हुई है 42,500 के अंदर। ठीक है, 42,500 के स्तर पर आपकी बाइंग है चांदी में। प्रियांक, क्या इनको अभी रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ऑलरेडी काफ़ी मुनाफा हो रहा है, मेरे हिसाब से अभी भी होल्ड करना चाहिए अगर उनका लॉन्गर टर्म होराइजन है। अगर मार्केट 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक बुलिशनेस देख सकते हैं प्राइजेस में, जो 48,000-49,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके ठीक है। नेचुरल गैस पे प्रियांक उपाध्याय, आपका कमेंट क्या होगा? नेचुरल गैस में आज हलचल है, शाम के कारोबार में इस काउंटर में आपको किस तरह की मूव दिख रही है? ठीक है, नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि 192 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे अगर करेक्शन में आता है तो बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 188 स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 200 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि 200 के आसपास का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अशोक हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अशोक पूछिए। नैनीताल में सवाल है सर। किस पर सवाल है आपका? मेंथा ऑयल और फिलहाल इसका भाव 890 के आसपास है, काफी नीचे आ गया है। अमित, यहां से मार्केट की चाल आपको क्या दिख रही है? देखिए मेंथा ऑयल में कुछ टाइम पहले 980-990 तक के भाव में दिखे थे, उसके बाद एक सस्टेन्ड फॉल दिखा है, बट मेरे हिसाब से इसका लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री अभी भी अपसाइड है। जब तक 840-850 होल्ड कर रहा है तो मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। हाँ। यदि 920 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाती है तो इनके भाव आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अशोक ही है जोधपुर से और इनका सवाल ग्वार के ऊपर है, पूछिए अशोक। अशोक पूछिए। हेलो जी, पूछे। हाँ सर, इस सितंबर का ग्वार गम का आउटलुक पूछना था मेरे को। सितंबर का ग्वार गम का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, बताएं अमित। जी, ग्वार गम फिलहाल थोड़ा प्रेशर में दिखेगा शॉर्ट टर्म बेसिस। अगले दो तीन दिन का अगर आप कारोबार देखें तो मंदी हो सकती है उसमें, बट ब्रॉडली यहाँ से 300-400 रुपये नीचे सपोर्ट अच्छा है, वहाँ से दोबारा तेजी आ सकती है, तो नीचे में बाइकर की सलाह होगी। किरण है कानपुर से, नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए किरण। हाँ जी, मैंने एनडी सेल की है 181 पे आपकी बिकवाली है, भाव काफी ऊपर जा चुका है, इसका मतलब है कि आपने बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड किया है। प्रियांक, अब क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, बट अभी एक करेक्शन आ रहा है जो आज इंट्राडे में हम देख रहे हैं। अगर 192-190 के आसपास अगर आता है तो एक बार एग्जिट हो जाइए, बिकॉज ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिखता है, और अगर 200 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें हम 10-20 रुपीज का फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं प्राइस। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी, मैं निकल में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 656 के आसपास 674-675 के टारगेट्स हो जाएंगे। आपकी कॉल प्रियांक।
क्रूड ऑयल अक्टूबर में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं टुवर्ड्स 2950, स्टॉप लॉस 2900 रहेगा, टारगेट्स वुड बी अराउंड 3000। आपकी आखिरी कॉल जी। दूसरा कॉल, मैं सिल्वर में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा, 45,650 के एरिया में 46,150 के टारगेट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और प्रियंका उपाध्याय आपका भी पूरी जानकारी।